गाइज गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मनीषा की दुनिया। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। एंड हमारा जो एनिवर्सरी था वो काफ़ी अच्छे से गया, लेकिन सब लोग इतना थक गए कि क्या बताऊँ। अभी मैं हूँ किचन में और काढ़ा वगैरह बना के दे दिया। सुबह उठने का ना बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उठ के मैं सोची चलो नहा धो के फ्री हो जाते हैं, उसके बाद से जो रेस्ट करना होगा रेस्ट करूँगी। और अभी मैं बनाना जा रही हूँ रोटी, और गुंजा एक तरफ वो भी काम कर रही है, और अभी मैं जस्ट आटा लेकर भी जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। बाकी खड़ा होने के बाद ना इतना नींद आ रहा है, पता नहीं क्यों। अब पता है कल इतना ज़्यादा देर तक हम लोगों को खड़ा रहना पड़ा ना, और अब लग रहा है कि भाई इतना पैर दुख रहा है, पूरा हालत ख़राब हो रखी है, पूरी फैमिली की तबीयत ख़राब हो रही है, और मिस्टर राज का भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। उनको खांसी इतना ज़्यादा आ रहा है ना कि वो जब भी खांस रहा है तो पूरा सीने में हाथ ऐसे मतलब सीने पे हाथ रख एकदम खांस रहा है और पूरा दर्द हो जा रहा है। कल रात में ऐसे ही बोला था अरे पाप रे उठो, वो इतना नींद में कभी ऐसे बोलते नहीं है, नहीं उठते हैं बिना उठाए, लेकिन दो दिन से ऐसे हो रहा है कि रात रात भर उनको खांसी हो रहा है। अभी थोड़ा जैसे मॉर्निंग हो रहा है ना वैसे ठीक हो जा रहा है हल्का फुल्का, बाकी बहुत हालत खराब हो रखी, इसलिए मैंने काढ़ा बनाया है तुलसी पत्ता वगैरह डाल के। अभी बना रही हूँ रोटी, तो देखती हूँ आगे क्या होता है। आप लोग वीडियो में बने रहना और प्रे करना कि सब लोग ठीक हो जाए, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है सब लोग मतलब हरासमेंट जो भी हो, मतलब सब लोग बीमार पड़े हैं ना तो अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे सब लोग ठीक रहते हैं तो थोड़ा मज़ा आता है, बातचीत करते करते टाइम निकल जाता है। बने रहे हो आप लोग वीडियो में, एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट खूब सारा शेयर करना। मिलते हैं थोड़ी देर में। एक तरफ बन रहा है चाय और एक तरफ बन रहा है दाल, मेरे पापा जी से मम्मी जी का भी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब ज़्यादा ही ख़राब हो गया मम्मी का तबीयत, और यहाँ मटर मैंने छोड़ दिया। हे गाइस अभी मैं हूँ किचन में, एंड मैं बना रही हूँ चिकन। अभी तक मेरे को खांसी भी नहीं था, अभी खांसी पता नहीं इतना ज़्यादा आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ मम्मी को खाना दे देने, क्योंकि मम्मी का तबीयत आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एंड अभी देना है दाल रोटी, तो मैं जा रही हूँ दाल रोटी दे के फिर दवा भी खिलाना है। प्लस आज मम्मी का तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया था, तो वो मैं बाद में बताऊँगी अभी थोड़ी देर में। तो गाइस अभी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा कि मम्मी बेहोश हो गई थी, अनकॉन्शियस हो गई थी, और एकदम से समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, मम्मी गिर गई थी। और फिर उसके बाद से मनीषा पीछे थी, मनीषा होल्ड की, फिर मम्मी पहचान भी नहीं पा रही थी हम लोग क्योंकि कौन है। फिर हॉस्पिटल लेके फटाफट जल्दी में गए, कुछ वीडियो वीडियो सब दिमाग में कुछ नहीं था, जल्दी जल्दी हॉस्पिटल जा रहे थे। फिर हॉस्पिटल गए, मम्मी का ब्लड प्रेशर वगैरह टेस्ट हुआ, और उसके बाद से फिर मम्मी को वीकनेस हो गया है बहुत ज़्यादा। फिर डॉक्टर ने बोला, दवाई वगैरह दिया, फिर सारा मेडिसिन वगैरह मनीषा के हाथ में मिला हुआ है कि अब कैसे कैसे क्या है क्या नहीं है। और उसके बाद से फिर हम लोग, पापा बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गए थे, पापा दूर थे, मैं और प्रिंस हम लोग दोनों गए थे। फिर वहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए थे नोन वाले, तो क्योंकि लोग पहचानते भी, और जब पापा ने फ़ोन भी कर दिया था कुछ को, तो तुरंत डॉक्टर भी बहुत बिजी थे, लेकिन डॉक्टर के पास भी फ़ोन आ गया, तो डॉक्टर तुरंत बाहर आए। और फिर वो मम्मी को मैम बोलते हैं सब लोग, तो सब लोग मम्मी को मतलब अच्छे से वो कि टीचर्स वगैरह भी कुछ आए हुए थे, तो बहुत टेंशन में आ गया था सब कुछ। ऐसा लग रहा था कि मान लो आज सब कुछ ख़त्म होने वाला है, और एकदम से मेरे को भी बहुत टेंशन हो गया था। लेकिन हिम्मत रखना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे टाइम पे, क्योंकि सब लोग एकदम वीक हो गया था, पापा तक वीक हो गए थे, सब लोग को एकदम टेंशन हो गया था, प्रिंस भी एकदम रोने लग गया था बहुत ज़्यादा। तो अब सबको, अब मैं गाड़ी चला रहा था, लेकिन मुझे पता था कि एक बंदे को तो स्ट्रांग होना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वीक हो जाएंगे। तो मैं बोला अरे कुछ नहीं हुआ, एकदम मस्त रहो, चलो चलो। फिर आए घर पर तो सब कुछ एकदम ठीक हुआ, थोड़ा टाइम लगा। अभी मम्मी रेस्ट कर रही हैं, अब मम्मी को आराम करने की ज़रूरत है,
आप लोग भी प्रे करो कि मम्मी बहुत जल्दी ठीक हो जाए। मम्मी की तबीयत 2-4 दिन से बिल्कुल ठीक नहीं है, तो जस्ट होप कि मम्मी ठीक हो जाए। माता रानी से यही दुआ है कि मम्मी ठीक हो जाए। बाकी यही सब, अभी बहुत ज़्यादा मूड। तो दाल बन गया है और अभी बन रहा है चिकन। कैसे बन जाता है समझ में नहीं आ रहा। चावल भी बहुत ज़्यादा है, खाना भी ज़्यादा हो गया। और ये मटर आज बनने वाले थे, मम्मी बोली थी कि मटर छुड़ा दो, उसके खाया जाएगा कभी। मेरे को लगा आज ही करेंगे, लेकिन मम्मी का भी तबीयत ठीक नहीं है। और सच में गाइस, आप लोग प्लीज़ प्रे करना, क्योंकि मम्मी इतना ज़्यादा बीमार, मेरे को लगता है कि नहीं होती है कभी भी। इस बार वीकनेस भी हो गया, प्लस ब्लड की भी कमी हो गई है। अभी हम खुद रिपोर्ट भी देखे और उसमें सब टेस्ट वगैरह हुआ है। तो दाल बन गया है और अभी बन रहा है चिकन। तो कैसे बन जाता है समझ में नहीं आ रहा। चावल भी बहुत ज़्यादा है, खाना भी ज़्यादा हो गया। और ये मटर आज बनने वाले थे, मम्मी बोली थी कि मटर छुड़ा दो, उसके खाया जाएगा कभी। मेरे को लगा आज ही करेंगे, लेकिन मम्मी का भी तबीयत ठीक नहीं है। और सच में गाइस, आप लोग प्लीज़ प्रे करना, क्योंकि मम्मी इतना ज़्यादा बीमार, मेरे को लगता है कि नहीं होती है कभी भी। इस बार वीकनेस भी हो गया, प्लस ब्लड की भी कमी हो गई है। अभी हम खुद रिपोर्ट भी देखे और उसमें सब टेस्ट वगैरह हुआ है। और यह है इसका। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट खूब सारा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत टाइम लगेगा और देखते हैं, पता नहीं वीडियो लेट ना हो जाए, इसलिए मैं अटेंड नहीं करती हूँ वीडियो को। और ज़्यादा अगर हमारी इंस्टाग्राम आईडी है राज मनीषा सचिन, तो आप लोग उसको भी फॉलो कर लीजिएगा, उस पर भी हमारी शॉर्ट वीडियो आती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।